मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन नरेंद्र सिंह तोमर को सर्वसहमति से विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। तोमर ग्वालियर चंबल इलाके से पहले और मध्य प्रदेश विधानसभा के 15वें अध्यक्ष हैं। बता दें कि बुधवार को राजधानी भोपाल स्थित विधानसभा भवन में पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिमनी विधानसभा से विधायक नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश विधानसभा के 15वें अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। विधानसभा अध्यक्ष बनने से पहले तोमर और केंद्र की मोदी सरकार में कृषि मंत्री रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जब विधानसभा के अध्यक्ष पद के निर्वाचन का समय आया तो पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर मेरा चयन किया है और इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। विधानसभा से पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाने को लेकर कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठ गए और लगातार नारेबाजी करते रहे। विधानसभा से पंडित नेहरू की तस्वीर हटाने को लेकर कांग्रेस विधायक पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की फोटो लेकर गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कांग्रेस विधायक बाबा साहब अमर रहे के नारे लगाए।